आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लॉन्ग टर्म श्योर सेल टेस्ट में। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें। आज हम बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे और बंधन बैंक के नतीजे आ चुके हैं। प्राइवेट बैंक में HDFC के बाद अगर कोई बैंक मुझे अच्छी अभी लगी जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तो बंधन बैंक है। उसका कारण है, चाहे वो मैनेजमेंट को लेके, जैसे कि चंद्रशेखर घोष बाबू जो इसके MD हैं, अगर उनका आप इतिहास देखते हैं तो जो बंधन बैंक फाइनेंशियल हुआ करती थी, जो छोटी सी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी, उसकी जो जर्नी है, उसकी जो शुरुआत है, फिर इनको किस प्रकार से लाइसेंस मिला, फिर उसके बाद आज देखिए कितनी बड़ी बंधन बैंक हो चुकी है, एक नेशनल बैंक। और अभी इन्होंने जो है गृह होम फाइनेंस को मर्ज किया था, यानी अधिग्रहण किया था। उसके बजाय उनको जो HDFC की सब्सिडियरी थी, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी थी, मॉर्गेज वगैरह देती थी देती है, उसको इन्होंने सम्मिलित कर लिया है, ख़रीद लिया है। और उसके एवज़ में ये जो है अपनी प्रमोटर्स की जो इनकी होल्डिंग है उसमें ये HDFC बैंक को देंगे। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि HDFC बैंक ने अगर इस बैंक को अपनी एक दुधारू गाय आप कह सकते हैं, गृह होम फाइनेंस दे दिया है, तो कहीं ना कहीं और उसको होल्डिंग मिलेगी इसमें कुछ प्रतिशत। तो आप समझ सकते हैं कि HDFC ने जब इस पे भरोसा जताया है तो जाहिर सी बात है बंधन बैंक में कुछ ना कुछ तो ज़रूर पोटेंशियल है। दूसरी चीज़ जो RBI की तरफ से दिशा निर्देश है कि प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा होल्डिंग आप नहीं रख सकते बैंकों को, तो उसका भी ये एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इनकी बैंक ब्रांचेस इंक्रीज़ करने में भी बंदिशें लगा दी गई थी, पेनाल्टी भी पड़ी थी, तो इस वजह से अब इनको, इनकी मजबूरी है तो इनको अपनी होल्डिंग घटानी पड़ेगी। और इस प्रकार से कुछ बैंक्स, या जैसे कि अभी गृह होम फाइनेंस को मर्ज किया, तो देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ अधिग्रहण करते हैं। एनीवेज, सबसे जो अच्छी बात है इस बैंक की कि अब देखिए नतीजे तो मैं पहले बाद में दिखाऊंगा, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस क्वार्टर में, यानी पिछले क्वार्टर में जो इनकी होल्डिंग थी 6.27%, वो सितंबर 19 यानी क्वार्टर टू में हो गई 6.91%, यानी कि इंक्रीज़ की हुई है। और इस प्रकार से 146 FIIs हैं इसमें, और ये एक अच्छा संकेत होता है किसी कंपनी या किसी बैंक या किसी स्टॉक की कंपनी के बारे में। आइए जानते हैं हम इनके नतीजे। तो पहले हम जान लेते हैं प्राइस, 559 रुपये पे ट्रेड कर रहा है NSE पे, यानी आज तो मार्केट बंद है। और लास्ट क्लोजिंग प्राइस का ये था 52 वीक लो, यानी वर्ष का जो सबसे निचला स्तर था प्राइस का, 397 पे गया था। काफ़ी गिरावट आ गई थी बीच में और फिर हाई बनाया था इसने 650 का, और हाई के आसपास ही 100 रुपये कम है। एक वर्ष में जो रिटर्न, क्योंकि ये लिस्ट हुई थी कंपनी 27 मार्च 2018 को, जैसा कि आप देख सकते हैं 27 मार्च 2018 को इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो साल सवा साल अभी हुए हैं इसको, ज़्यादा लिस्टिंग हुए समय नहीं हुआ है। और एक वर्ष में 29% से पॉजिटिव रिटर्न है, 6 मंथ में भी 3.25% के जो है पॉजिटिव रिटर्न है। मार्केट कैपिटल इसका जो है 90,000 करोड़, यानी 90,000 से ज़्यादा का है। फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये की है और डिविडेंड पे करता है। डिलीवरी इसकी जो है 63% से ज़्यादा की है। प्राइस टू बुक है 6.43, अर्निंग पर शेयर है 17.13, और पी रेशियो जो निकल के आता है, क्योंकि जो इसके कंपटीशन में बैंक्स हैं उनका जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा महंगा है, तो उसके बजाय ये सबसे कम है। इस वजह से थोड़ा सा और बैंकों की अपेक्षा ये एक सस्ता दिख रहा है। हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है प्राइस वाइज, बट ओवरऑल अगर इस प्रकार से इनके नतीजे आ रहे हैं तो हमें लगता है कि जो कंपटीशन, जो इसकी पीयर कंपनी बैंक्स हैं उनमें ये फ़िलहाल अभी अट्रैक्टिव दिख रहा है। आइए हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे नतीजे पे। अब अगर हम क्वार्टर वन से क्वार्टर टू में कंपेयर करते हैं, जून 19 से सितंबर 19 में, तो जो इनको इंटरेस्ट से अर्निंग थी पिछले क्वार्टर में 2631 करोड़ की, वो हो गई 2690 करोड़ की, यानी 2.24% की इंक्रीजमेंट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनको जो है 3.55% की, थोड़ा सा नेगेटिव है, डाउनसाइड है।
लेकिन इनका एनपीए अगर देखते हैं हम तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है थोड़ा सा, तो ये एक अच्छा साइन है। रिटेल पे ज़्यादा फोकस है, होलसेल बैंकिंग में इनका उतना ज़्यादा नहीं, इसीलिए इन्होंने गृह होम फाइनेंस को अगर मर्ज भी किया है तो जो लोग हाउसिंग लोन वगैरह लेते हैं तो मुझे लगता है इंडिविजुअल से ही ज़्यादातर या जो खुदरा ग्राहक होते हैं वही लेते हैं, और तो उसमें ज़्यादा एनपीए बढ़ने के चांसेस नहीं रहते। हर इंसान का ये हो सपना होता है कि अपना खुद का घर ले, और दूसरी चीज़ जो घर होता है अगर मान लीजिए पे भी नहीं कर पाया कोई जिसने लिया है लोन, तो ये ऑक्शन करके उससे वसूल भी कर लेते हैं। तो ये एक थोड़ा सा गृह होम फाइनेंस को मर्ज करने का इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेट प्रॉफिट जिस प्रकार से रहा पिछले क्वार्टर के, इस क्वार्टर में तो 20% की यहाँ पे भी जो है शुद्ध मुनाफा इनको 20% रहा क्वार्टर दर क्वार्टर। अब अगर हम देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर, ये हम लोग स्टैंड अलोन के नतीजे देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इनका जो ईयर ऑन ईयर 99.28% शुद्ध मुनाफा जो दिख रहा है बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूँ तो गृह होम फाइनेंस का भी होगा, क्योंकि इस क्वार्टर में सम्मिलित होकर सारा कुछ इनका जो है आया है, राइट। तो अगर हम देखते हैं जो ब्याज से कमाई है, तो जहाँ पिछले वर्ष के क्वार्टर में थी 1605 करोड़, इस वर्ष के क्वार्टर में हो गई 2690 करोड़, यानी 67.55% की इंक्रीजमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 49.54% की अपसाइड है, और इनका जो एनपीए भी साल दर साल कम हुआ है, और ग्रॉस एनपीए देखिए थोड़ा सा 0.47% का जो है डाउनसाइड है, लेकिन शुद्ध मुनाफा काफ़ी अच्छा है इनका। तो ये बैंक ऐसी है कि कई दफ़ा मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, और मैंने पूरी कहानी भी बताई है एमडी साहब की, कहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती थी, किस प्रकार से बंधन बैंक बनी, और बंधन बैंक बनने के बाद किस प्रकार से इनका कामकाज चल रहा। तो किसी दिन ये अचानक चल पड़ेगा, जैसे कि HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो आज वो इतनी बड़ी प्राइस का हो चुका है। अभी फ़िलहाल 5-6 महीने पहले ही वो 1400-1500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, आज वो 3000 के ऊपर पार हो चुका है, तो लोगों ने अब जाके उस पर अटेंशन पे करना शुरू किया है। तो चीज़ें होती हैं कि हाँ, बहुत जिनमें पोटेंशियल होता है उसको समझने में थोड़ा समय लग जाता है हम जैसे रिटेल निवेशकों को। तो इसी प्रकार से अगर बंधन बैंक जो है कभी भी ये चल निकलेगा, और फिर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर हम जिस प्रकार से HDFC बैंक को जिस नज़रिए से, रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखते हैं कि ये बैंक दिग्गज बैंक है, तो बंधन बैंक में भी बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। जिस प्रकार से इनके नतीजे आ रहे हैं, जिस प्रकार से इनके कामकाज करने का तरीका, जिस प्रकार से इनके एमडी साहब का जो है रख रखाव है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और भी अगर हम फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीज़ें देखते हैं तो भी बैंक उतनी बुरी नहीं लगती है, बहुत ही अच्छी हर मामले में अभी हमको दिखाई दे रही। तो इस प्रकार से अगर आपको किसी कारणवश, हालांकि बैंकों पे क्या होता है, जिस प्रकार से अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था है, जिस प्रकार से मंदी चल रही है, जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ निकल रही, इस प्रकार से बैंकों में अलग अलग जो NBFCs भी हैं, जो प्राइवेट बैंक्स भी हैं, वो सारे उनके NPA उजागर हो रहे हैं, तो उस प्रकार से बैंकों में भी, सारे बैंकों में, पूरे सेक्टर में प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हो सकता है कि बंधन बैंक में कभी आपको और नीचे के लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिले तो आप थोड़ा थोड़ा लेते रहिएगा, क्योंकि बंधन बैंक अभी आगे बहुत आगे जाने वाली है, और किसी दिन भी चल देगी तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान देना होगा रिटेल निवेशकों को कि बंधन बैंक जैसे जिसमें पोटेंशियल है, अब मैं इसका बहुत ज़्यादा गुणगान नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, मैं लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्राइस थोड़ा सा ऊपर लग रहा है। मुझे लगता है कि अभी और अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगी, जिस प्रकार से भारत के जो बैंकों की दशा है, तो वो होता ना शामिल बाजा होता, उस प्रकार से सब पे जो दुष्प्रभाव पड़ेगा तो इस बैंक को भी थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो जब भी आपको नीचे के लेवल पे आपको मिल जाए तो आप लपक लीजिएगा, और अगर अभी भी आप लंबे समय के निवेश हैं तो ये भी प्राइस कोई बुरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, कभी पूरा पैसा एक स्टॉक या एक कंपनी में, एक सेक्टर में ना डालें। तो ये स्थिति है, और ओवरऑल आपको जो है डिविडेंड पे ही करती है। अब इस बैंक के बारे में आपको और क्या बताऊं, इसमें अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ये एक वर्ष का अगर हम देखते हैं तो देखिए ऐसे पहाड़ नुमा बना है, तो कभी नीचे जाता है, फिर कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि अगर हमें नीचे के लेवल पे किसी प्रकार से मौका लगता है तो हम इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी काफ़ी भाग गया है।
अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 550 के आसपास। तो दोस्तों यही है, बैंकों इस बैंक के बारे में मुझे नतीजे अपडेट करने थे। और अगर आपके पोर्टफोलियो में HDFC जैसे, बंधन बैंक जैसे, या और भी कुछ ऐसी बैंकें हैं नहीं हैं, तो इसको भी ज़रा सम्मिलित कीजिएगा अपने हिसाब से, पूरा पैसा कभी मत लगाइएगा। तो आज यहीं पे मैं वीडियो को जो है संपन्न करता हूँ। अगले जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके सुझावों और कॉमेंट्स और लाइक शेयर का इंतज़ार रहेगा।